BTS के मेंबर्स के जाने के बाद आर्मीज डेफिनेटली काफी सैड हैं और हम सब भी उनकी कमी अभी से ही फील कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से BTS के मेंबर्स ने हमारी लाइफ में हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए था, और उनके रहने से ही हमारी लाइफ में बहुत खुशियां रहती थी। और इसीलिए BTS के जाते टाइम आर्मीज ने दिया है BTS को सबसे बड़ा गिफ्ट जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, ये गिफ्ट है BTS के एक सॉन्ग को नंबर 1 पर लेकर आना। और आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, BTS के तो काफी सारे सॉन्ग्स नंबर 1 पर आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बड़ी बात है जो कि आपको नहीं पता। तो एक्चुअली दिसंबर के महीने पर ना US के iTunes पर BTS का सॉन्ग कभी भी 1 नंबर पर नहीं आ पाता है, क्योंकि एक सॉन्ग है जिसका नाम है All I Want for Christmas is You, वो हर साल दिसंबर में एकदम टॉप पर रहता है क्योंकि वो क्रिसमस सॉन्ग है। और पिछले 6 सालों में आज तक कभी भी BTS के इस सॉन्ग को यानी स्प्रिंग डे को ये मौका नहीं मिल पाया कि ये टॉप 1 पर आ सके। लेकिन आज रिवील किया गया है कि फाइनली BTS का सॉन्ग स्प्रिंग डे रीच हो चुका है #1 नंबर पे US iTunes में, और ये पहली बार हुआ है। और BTS के फैंस खुद काफ़ी शॉक्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्मीज ने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने किया और BTS के जाते ही ये हुआ। तो आर्मीज का ये एक काफ़ी बड़ा तोहफा है जो कि उन्होंने BTS के मेंबर्स को दिया है। आर्मीज का मानना है कि ये काफ़ी क्रेजी और इनसेन चीज़ है, क्योंकि वो आज तक इसे नहीं कर पाए। और फाइनली आर्मीज ने मिलकर BTS को नंबर 1 बना दिया है एक 6 साल के टिके हुए सॉन्ग को पीछे करके। और आर्मीज का ये भी कहना है कि स्प्रिंग डे एक ऐसा कम्फर्टिंग सॉन्ग है जिसको सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारी आर्मी सैड थी, इसलिए वो लगातार स्प्रिंग डे को स्ट्रीम करे ही जा रही थी। और इस सॉन्ग की वजह से, इस स्ट्रीम की वजह से ये सॉन्ग इतना आगे पहुंच चुका है। और वैसे देखा जाए तो बात सही भी है, क्योंकि इतने सालों में BTS आर्मीज कभी भी इतनी सैड हुई ही नहीं, क्योंकि सब BTS के मेंबर चले गए हैं तो आर्मीज को काफ़ी अलोन फील हो रहा होगा। इसीलिए बहुत सारी आर्मीज जो हैं वो स्प्रिंग डे को सुन रही थी, और ऐसा करते करते ही उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइनली ब्रेक कर दिया है और फिर वो 1 नंबर पर आ चुका है। और ये लास्ट डे पर हुआ उस दिन जब BTS के मेंबर्स एनलिस्ट हो रहे थे, तो ये सच में काफ़ी बड़ी बात है। और आर्मीज का मानना है कि ये उनका BTS के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, पूरे फैंडम ने मिलकर जो BTS को दिया है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि क्या आपने भी आज के दिन स्प्रिंग डे सुना था? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।